वेलकम टू इन्फो डे। तो आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि सैटर्न एंड जुपिटर की फोटो आप कैसे लें एक DSLR से। सबसे पहले ये है कि हम कोई भी DSLR जो एंट्री लेवल DSLR है उससे हम सैटर्न की या जुपिटर की फोटो ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, लोगों के पास DSLR होता भी है बट उन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। कि लोगों ने मून की तो ज़रूर ली होगी फोटो लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि सैटर्न की हम फोटो ले सकते हैं और उसके रिंग्स भी दिखेंगे उसके अंदर, या जुपिटर की हम फोटो ले सकते हैं और उसमें उसके मून्स भी दिखेंगे। ये है कि बहुत ड्रामेटिक इमेजेस नहीं होंगी लेकिन एक अच्छी इमेज, छोटी सी एक मैच हेड की जितनी एक इमेज आप डेफिनेटली ले सकते हैं, जिसको कम से कम ये लगेगा आपको कि हाँ ये सैटर्न है या एक जुपिटर है। तो इस चीज को करने के लिए आपको कोई भी सिंपल DSLR, कोई भी DSLR हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास फुल फ्रेम हो या क्रॉप्ड हो, कोई भी DSLR आपके पास होना चाहिए। हर DSLR के साथ नॉर्मली एक या दो लेंसेज आते हैं, जिसमें कि पहला लेंस होता है आपका नॉर्मली 1855 का और एक दूसरा होता है 70-300 का, जो कि ये है। अब इस चीज के लिए हमको जो यूज करना है वो ये नहीं यूज करना है, हमको 70-300 या 75-300 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉडल है या क्या चीज है, आप निकॉन यूज करते हैं, कैनन यूज करते हैं, कोई भी दूसरा कैमरा यूज करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि DSLR प्रॉपर DSLR होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब उसका सेंसर 1/3 जैसे हो, जैसे को नॉर्मल DSLR चाहिए जो कि निकॉन का हो। जैसे मेरे पास बहुत सिंपल एंट्री लेवल है 3300 निकॉन का एंड इसके हायर भी आप जा सकते हो, इसके आसपास की या इसके पुराना भी आप ले सकते हो। अब इसमें आपको करना क्या है, जुपिटर की फोटोग्राफ लेने के लिए आपको इसका ISO करीबन 12800 या जो हायर लेवल है उस पे लेना है। आपको जो आपका शटर स्पीड है वो 1/10 लेना है और एपर्चर फुल खुला होना चाहिए। आपको सबसे लोएस्ट उस पे सेटिंग से स्टार्ट करना चाहिए, जो एकदम लोएस्ट हो, दैट इज 70 mm। फिर आप उसको धीरे धीरे आप बढ़ा के आप फोकस में लें प्लैनेट को एंड उसकी फोटोग्राफ खींचने की कोशिश करें। ऑटो फोकस 10-15 बार में से एक बार ऑटो फोकस हो जाता है। जो चीज ऑटो फोकस में होती है वो आप मैनुअल फोकस में बहुत ही मुश्किल है करना, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है, हाथ हिल जाता है, इधर उधर चले जाता है, कभी फोकस में आता है, नहीं आता है। जुपिटर इवनिंग के टाइम नॉर्मली दिखता है, वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत ब्राइट स्टार दिखता है। आप नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ये वीनस है लेकिन एक्चुअल में ये जुपिटर होता है और वीनस नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग्स में आता है जो कि जुपिटर से भी बहुत ब्राइट होता है। तो नॉर्मली अगर आप इवनिंग में या रात को देखते हैं जो ब्राइटेस्ट स्टार आपको दिखता है वो नॉर्मली जुपिटर ही होता है। अब ये है कि जुपिटर को आपको या सैटर्न की आपको फोटो खींचनी है तो आपको एक ट्राइपॉड की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि हाथ से आप खींच तो सकते हैं बट आपको कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी चीज से सहारा लेना पड़ेगा और ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। ये हो सकता है आपके 15-20-25-50-100 इमेजेस लोगे उसमें शायद एक ठीक निकल आए। अब आप जब आप इसको पॉइंट करोगे जुपिटर या सैटर्न की तरफ तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी ना हिले। जब जुपिटर की आप फोटोग्राफ खींचोगे तो आपको एक ब्राइट सा स्टार टाइप दिखेगा, उसके आगे पीछे उसके मून्स दिखेंगे। अब मून्स जो होते हैं वो एवरी आर आगे पीछे होते थे, रोटेट करते रहते हैं उसके जुपिटर के अराउंड। अब होता ये कि आप एक बार जुपिटर की फोटो ले रहे हैं तो उसके बाद कुछ देर बाद अगेन अगर आप फोटो लेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देगा, क्योंकि वो मून्स आगे पीछे मूव हो जाएंगे। कभी तो लाइन में आ जाते हैं 3-4 मून, कभी 2-3 मून लेफ्ट होते हैं, कभी राइट होते हैं, कभी ऐसे होता है। बेसिकली इसको बोलते हैं डांसिंग मून ऑफ द जुपिटर। अब नेक्स्ट है आपका सैटर्न।
अब सैटर्न में क्या है कि सैटर्न में कोई मून्स आपको दिखते नहीं है डीएसएलआर से, बट इसमें यह है कि सैटर्न के आप रिंग्स कैप्चर कर सकते हैं। ये कैप्चर करने के लिए, रिंग्स कैप्चर करने के लिए आपको 300 mm मिनिमम उसपे जाना पड़ेगा, या इससे हायर आपका है लेंस तो बहुत बढ़िया है। ये कोशिश करें कि सैटर्न या जो भी आप जुपिटर सैटर्न जो भी आप खींच रहे हैं क्लिक कर रहे हैं उसका जो जो टाइम है जो स्काई है बहुत क्लियर होना चाहिए। सैटर्न के लिए आप आईएसओ 100 और शटर स्पीड 1/10, 20, 25, 30 आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप सैटर्न की फोटो एक बार अगर आप ले लेते हैं आपको वो एक्चुअली बहुत ही छोटा दिखेगा, आपको जूम करके अगर आप कैमरा में दिखेंगे आपको बेयरली आपको उसके रिंग्स दिखेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये एक ऐसा टिल्टेड सा कुछ है और एक बीच में प्लैनेट है। उस चीज को अगर आप एक बार खींचने के बाद अगर आप उसको प्रोसेस करते हैं किसी भी एडिटर में, नॉर्मली मैं कोई भी एडिटर यूज कर लेता हूँ, ऑनलाइन भी है पिक्सलर भी है, उसमें आपको उस एरिया को जूम करना है एटलीस्ट 300-400% और फिर आप उसको थोड़ा कंट्रास्ट आप दे दो उसके अंदर, तो वो आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से एक छोटा सा प्लैनेट जो सैटर्न है उसके आसपास के रिंग्स आपको नजर आएंगे। सेम चीज आप जुपिटर के साथ कर सकते हो, यहाँ कंट्रास्ट और थोड़ा सा आप दे सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें आगे नॉर्मली कुछ दिखता नहीं है। कभी कभी आपको ये है कि अगर आप आईएसओ 100 पे ले आए और 100 पे लाने के बाद आप फोटो खींचे जुपिटर की तो आपको उसके मून्स तो नहीं आएंगे नजर, बट उसके कुछ बैंडिंग आपको दिख सकती है उसके अंदर। मतलब गारंटी नहीं है कि दिखे नहीं दिखे, कभी दिख जाती कभी नहीं दिखती है, डिपेंड करता है कैमरा के सेंसर पे भी और आप क्या कैमरा कौन सा यूज कर रहे हैं, कितना mm है। 300 mm में मैंने कभी मेरे को हल्की सी बैंडिंग दिखी है, नॉर्मली टेलीस्कोप के थ्रू तो बैंडिंग दिख जाती है, टेलीस्कोप में जितना दिखता है उतना ही 300 mm वाले उसमें दिखता है। यह है कि आप फोटोग्राफ को थोड़ा सा डिजिटली एनलार्ज कर सकते हो तो थोड़ा ही अंदाजा और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल ये है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सैटर्न के लिए आप आईएसओ 100 और शटर स्पीड 1/10, 20, 25, 30 आप ट्राई कर सकते हैं। वेरी स्टेडी हैंड या किसी जगह रख के, या आप इसको यूज करें, ट्राइपॉड को यूज करें, अच्छा ट्राइपॉड होना चाहिए। कोशिश करें अगर आप रिमोट से फोटो खींच लें और बढ़िया है कि आपका शेक नहीं होगा। और दूसरा है जुपिटर के लिए अगर आप करना चाहते हैं सेम चीज तो आप आईएसओ 12-800 और 1/110-20 डिपेंडिंग अपॉन आप इसका ले सकते हैं शटर स्पीड, एंड डेफिनेटली उसके अंदर मून्स आएंगे आपके, थोड़ा सा प्लस माइनस करके आप इसको देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बेटर कैमरा होगा डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और रही बात टेलीस्कोप वगैरह की, इसके लिए मैं वैसे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से टाइप के टेलीस्कोप होते हैं और उसमें क्या है, क्या नजर आता है, क्या चीज़ है, कैसे है, इसके साथ कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, कर सकते भी हैं नहीं कर सकते हैं, इसमें अडाप्टर लगता है नहीं लगता है, या क्या चीज़ है, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में मैं और बताऊंगा। बट आप डेफिनेटली आप ये जरूर ट्राई करें, सैटर्न एंड जुपिटर को जरूर देखें, फोटो खींचें, एंड अगर आपने खींची है तो डेफिनेटली शेयर भी करें। थैंक यू एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।